आइए जानते हैं दोस्तों कमल के खेती के बारे में। ये देखो, ये है कमल का फसल। यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर है कमल का। इसी के जड़ को, जिसको हम लोग ढेंस बोलते हैं, उसका उपयोग हम लोग सब्जी के लिए करते हैं। ये देखो, इसका उपयोगी भाग क्या क्या है। इसका उपयोगी भाग फल भी, फल है, फूल है, पत्ती है, और इसका जड़ है, बीज है, सभी इसका लगभग उपयोग में लाते हैं ना, सभी पार्ट्स को। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले इसके जड़ को 1x1 के दूरी में रोपाई करते हैं, है ना, इसके पौधे को लेके। और उसमें खाद कितना डालते हैं, गोबर खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। और रासायनिक खाद अगर डाल रहे हैं तो जो NPK है उसको 160-140 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोगी भाग में क्या क्या है देखते हैं। जैसे जड़ का उपयोग है उसका हम सब्जी के रूप में करते हैं, है ना। और विभिन्न जो दूसरा पार्ट है उसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाई के लिए करते हैं। फूल वूल का उपयोग तो पूजन सामग्री में के रूप में करते हैं, और पत्ती जो है वो खाना परोसने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस प्रकार से ये काफ़ी उपयोगी फसल है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।